नमस्कार मित्रों, पूर्व पॉडकास्ट की शेष चर्चा को सुनते हैं टाइम ट्रेवल भाग दो में। एक मित्र ने दावा किया कि समय यात्रा संभव है। मैंने बिना विरोध किए पूछा कि अगर मेरा जन्म 1963 में हुआ है तो 2050 में मेरी उम्र क्या होगी। मित्र ने सटीक गणना करते हुए बताया कि जिस माह एवं तारीख में तुम्हारा जन्म हुआ है 2050 के उस माह और तारीख पर तुम 87 वर्ष के हो जाओगे। मेरा अगला सवाल था कि तुम मुझसे दूर कहीं रहकर 2050 में टाइम मशीन के जरिए यात्रा कर मुझसे मिल सकते हो। मित्र जो टाइम मशीन के जरिए समय की यात्रा को मानता था, उसने उत्साहित होकर कहा, अवश्य। मेरा उत्तर था कि टाइम मशीन के जरिए तुम अकेले 2050 में गए हो, ना कि मैं। अर्थात टाइम मशीन या कोई एडवांस तकनीक से केवल आभासी दृश्य को आप देख सकते हैं, ना कि उसे तो वास्तविक रूप से महसूस कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 के कालखंड की कल्पना नहीं की होगी। हाँ, इस घटना के आधार पर भविष्य की परिकल्पना अवश्य की जा सकती है, इल्यूजन हो सकते हैं, पर यथार्थ नहीं। हाँ, मैं इस बात से सहमत अवश्य हूँ कि मेरी आवाज जो तरंग बनकर खुले आकाश में अन्य तरंगों से मिल जाती है, उनको विशेष यांत्रिक सहायता से रिक्रिएट किया जा सकता है। घटनाएं